नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम बात करेंगे लूट के गौठान की। जी हां, लूट का गौठान ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना पर सियासत तेज है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गौधन न्याय योजना को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के आरोप पर पलटवार किया है। कांग्रेस सरकार की गौधन न्याय योजना को लेकर सर्दी के मौसम में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गौधन न्याय योजना को लेकर तत्कालीन भूपेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह से पुरानी सरकार ने लूट मचाई, उसे ठीक करने छत्तीसगढ़ आए हैं और इसके लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ठीक से काम करेगी। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया क्या गोठान, उसी को ठीक करने आया हूँ। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में जो भी योजनाएं बनाई गई उनका लाभ जनता को मिला है, गौठानों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो करना है वो कर ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसका सीधा लाभ आम जनता को मिला है। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भूपेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए 2020 में गौधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को योजना की राशि सीधे उनके अकाउंट में दी जाती थी। बीजेपी ने इस योजना में 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा भी था। अब चुनाव के बाद एक बार फिर गौधन न्याय योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है। रायपुर से न्यूज 18 के लिए आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली, रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से इस योजना को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, किस तरीके से योजना काम करती है, वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। समझिए, गौठान से गोबर खरीदती है सरकार। क्या है गौधन न्याय योजना वो समझिए। गौठानों से सरकार किसानों से गोबर खरीदती है और उसके बाद किसानों को गोबर के बदले पैसे दिए जाते हैं। जी हाँ, पशुपालकों के लिए ये योजना है। साल 2020 में ये योजना शुरू हुई थी और उसके बाद बताएं आपको कि गोबर खरीदी की पहली योजना है ये, और इस योजना में 488 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। तो इसी योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसी योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश घोर मोड़े जी। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमेश जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर किस तरह के भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी कर रही है गौधन न्याय योजना में, आखिर कैसे भ्रष्टाचार हुआ इस योजना में? उमेश जी, देखिए, जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के सरकार के समय में यह योजना गोधन न्याय योजना के रूप में आई और इसकी बहुत ब्रांडिंग की गई, इसको लगातार इसका प्रचार प्रसार किया गया, विज्ञापनों में यह योजना बहुत हाइप के साथ बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में जनता के बीच में प्रदर्शित की गई, लेकिन जब धरातल पर इसकी
स्थिति को हमने देखने का प्रयास किया, लगातार जनता की तरफ से हमको शिकायतें मिलने लगी, लगातार गौपालक भी यहाँ पर आने लगे। हमने जब इसकी वस्तु स्थिति को देखा, सूचना के अधिकार लगाए, तमाम तरह के विषय लगाए, तो वहां से लगातार इसमें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आने लगे, और एक नहीं अनेक मामले कांग्रेस सरकार के समय में हमने सह प्रमाण शिकायतों के साथ उनकी सरकार के समय में सरकार के समक्ष रखे, यहां तक कि सदन के अंदर में भी सरकार को घेरा। लेकिन ये केवल और केवल इस विषय पर गौ माता, गोबर और तमाम विषयों को लेकर के राजनीति करने का प्रयास करते रहे। दुख का विषय यह है कि इस योजना का लाभ वास्तविकता में एक आम छत्तीसगढ़िया को नहीं मिल पाया, गौ पालक को नहीं मिल पाया, भ्रष्टाचार की यह भेंट चढ़ गया। कई मामलों में निकल करके आया कि गोबर के गोबर जो इकट्ठा करके रखे गए थे वो बह गए, स्टॉक का इनका अता पता नहीं, स्टोरेज का इनका अता पता नहीं, ऐसे तमाम शिकायतें रही हैं। और वर्तमान में जो स्थिति है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार इन तमाम विषयों की गंभीरता से जांच कराएगी, बकायदा ऑडिट होगा। इनके समय में तो ऑडिट को लेकर के ही प्रावधान नहीं था, स्टॉक को लेकर के इनसे पूछे तो आज भी इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं कि इनकी सरकार के समय में गोबर के स्टॉक को लेकर के, उसके विक्रय को लेकर के क्या प्रावधान थे, क्या नियम थे। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल छोड़े गए थे, जिससे साफ तौर पर यह इंगित होता है कि यह योजना इन्होंने छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और गौ पालकों को लाभान्वित करने के लिए नहीं, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए यहां पर की थी। और हमारा तो खुला आरोप था कि जो बिहार में चारा घोटाला हुआ है, उससे भी बड़ा घोटाला यहां पर गोबर के रूप में यहां पर निकल करके आएगा। और हमने समय समय पर अलग अलग गौठानों के अंदर में इस विषय को प्रमाणित भी किया है, और आने वाले समय के अंदर में जहां जहां जांच की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसको जांच करके जो लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया होगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, इसका जवाब सत्यप्रकाश जी देंगे। सत्यप्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे, कई लूप होल इस योजना के बता दिए हैं उमेश जी ने, बीजेपी ने, आपका क्या पक्ष है इस पर, क्या रिएक्शन? सुमित जी देखिए, ये लूप होल मेरे को लग रहा मोदी जी को शायद नहीं पता था, तभी उन्होंने तारीफ की थी। ये लूप होल शायद आदित्य योगीनाथ को नहीं मालूम था, तभी उन्होंने तारीफ की थी। पर यहाँ तक कि मोदी जी ने तो इसको अपनाया भी। आपको याद होगा बजट में प्रावधान डाला था गोबर खरीदी के, योगी जी ने प्रावधान डाला अपनी यूपी सरकार के बजट में, प्रावधान किया गोबर खरीदी की। तो मेरे को लगता है उमेश गोड़मोड़े जी और को मालूम नहीं कि मोदी जी जो इनके सर्वोपरि नेता है आज की तारीख में, तो वो खुद इसकी तारीफ कर चुके। पहली बात उसमें गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग आए, क्या गोधन न्याय योजना की वजह से ऊपर आए वो? मैंने क्या बोला, क्योंकि विभिन्न योजनाओं की वजह से आए, उसमें गोधन योजना का भी बहुत बड़ा हाथ है। उस रिपोर्ट में जो 45 लाख लोग कैसे कहा है, क्योंकि देखो तालुक सीधा तालुक करते थे गरीबी लोगों से, जो सीधा तालुक आते कि लोग अपना गोबर खरीदते थे और उनको सीधा मुनाफा मिलता था, पैसा उनके खाते में जाता था। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, बीजेपी की चाहे केंद्र की सरकार हो यहाँ की सरकार हो, बिना कांग्रेस को गाली दिए, बिना कांग्रेस का अक्षर करें तो खाना हजम नहीं होता। भाई आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपके अधिकारी है, आपके पास एजेंसी है, जांच करा लीजिए ना, दूसरा तो पानी का पानी हो जाएगा। आपको दरअसल बात क्या है, पूरी बीजेपी को एक महीने सरकार को पर अभी तक क्या सिलेंडर का पता नहीं है, मातारी बंदर का पता नहीं है, 31 का पता नहीं है। तो जनता इसके बारे में सवाल जब धीरे धीरे करने लगी है, तो इधर की बातें कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जनता हमारे पास आ रही है, हमारे से पूछ रही है कि सिलेंडर कब से मिलेगा, हमको मातारी बंदर कब से मिलेगा, तो इनको उलझाया जाए कि भाई ये हुआ था, भाई वो हुआ था। अरे भैया अब आपकी सत्ता, इधर की बातें मत कीजिए, आप काम करके दिखाइए, एक महीना हो गया। और जैसे मैंने बोला आपके समय 1000 करोड़ घोटाला, घोटाला उसको बोला जाता है जिसके हमने जांच बैठाई, आप लोग हाईकोर्ट जाकर चलिए। ठीक है लौटता हूँ सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा। उमेश जी एक वाजिब सवाल तो है कहीं ना कहीं, जी लौटूंगा सत्यप्रकाश जी, दोबारा लौटूंगा आपके पास। उमेश जी एक वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है सत्यप्रकाश जी ने कि केंद्र सरकार ने इस योजना की तारीफ की थी, नितिन गडकरी जी ने गोबर से पेंट बनाने की योजना की तारीफ की थी, और केंद्र सरकार ने भी इसको माना था कि अच्छी योजना है, लेकिन अब क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ
देखिए, पहली बात, गोबर से पेंट बनाने की जो योजना है वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ होने से पहले से केंद्र सरकार में चल रही थी, और गौठान और गोबर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार के अंदर में पहले से चल रही थी, और ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता झूठे श्रेय लेने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इनको शायद भ्रष्टाचार का आरोप जब लगता है तो वो इनके कानों में सुनाई नहीं देता है। मैंने अपने वक्तव्य में योजना को लेकर के सवाल नहीं उठाया है, उस योजना में जो लूप होल छोड़े गए थे, उस योजना की आड़ में जो भ्रष्टाचार और बंदरबाट करने का खेल लगातार 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के अंदर में चला, उस पर मैंने सवाल उठाया। अभी ये गोधन न्याय योजना की बात कर रहे थे और गरीबों की दुहाई दे रहे थे, ये जरा बता दें कि उस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गोठान, अच्छा तो उमेश जी आप मतलब बीजेपी को योजना से दिक्कत नहीं है, माताएं बहनें काम करती थी, उनकी तनख्वाह, कांग्रेस योजना को अच्छे से चला नहीं पाई, तो क्या बीजेपी की सरकार में योजना चलती रहेगी, ये बंद कर देंगे आप? देखिए, जो बेहतर होगा, जो जनहित में होगा, कोई भी योजना, देखिए योजना को बंद करना, नाम बदल करके राजनीति करना, दुर्भावना से काम करना, ये कांग्रेस की परंपरा और परिपाटी रही है, इसलिए आज कांग्रेस को जनता ने किनारे कर दिया है। हम सर्वजन हिताय जो योजना होगी उस योजना को मूलभूत सुधारों के साथ आगे लेकर के जाएंगे, जिससे जनता का हित होगा। और ये अभी गौ माता की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अरे भैया जो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करते हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, वो किस मुंह से यहाँ गौ माता की यहाँ पर बात करते हैं, जनता यहाँ पर देख रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, अच्छी सोच कांग्रेस की थी, लौटूंगा उमेश जी, उमेश जी लौटूंगा, प्लीज, 60 से अधिक गौ माता की सफोकेशन से मौत हो जाती है, लौटता हूँ, उमेश जी लौटूंगा, उसकी जांच रिपोर्ट ये नहीं लाते, और ठीक है, ठीक है, रुकिए, दो रुकिए, उमेश जी लौटूंगा मैं, सत्यप्रकाश जी योजना बहुत अच्छी थी लेकिन आप उसको सही से चला नहीं पाए। सुमित, देखिए जैसे जो एक बात और मैं आपको टेक्निकली तौर पर समझाना चाहूंगा, जब हमारी सरकार ने 100 करोड़ के आसपास गोबर खरीदा था तब इनके नेता ने बोला कि 1300 करोड़ को डालो, फिर इनके उस समय के विधायक सौरभ सिंह बोलते 800 करोड़ को डालोगे, फिर एक और किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इनके गौठान में 1300 हुआ है, तो देखिए फिर उसको गलत इंटरप्रेट करके भ्रमित मत करिए, जांच में सब सामने आ जाएगा सत्यप्रकाश जी, वही मैं बोला इनका कैसे, अरे आप गलत इंटरप्रेट करेंगे तो टोकना तो पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, उमेश जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोनों के पास दोबारा लौटूंगा, और चलिए अब बात करेंगे हारे वोटों से और गिरे नजरों से। सचमुच में कहें नजर से नजर नहीं मिला पा रहे, ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं। तो अब बात छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस नेताओं के छलकते हुए दर्द की, बीजेपी से करारी हार की टीस समय समय पर बाहर आ रही है कांग्रेस नेताओं की। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का भी नाम जुड़ गया है। महंत ने जो कुछ कहा वो पार्टी पदाधिकारियों की भरी सभा में कहा, पायलट की मौजूदगी में कहा, अब महंत का बयान कांग्रेस नेताओं के गले से ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उधर बीजेपी चुटकी ले रही है। सचमुच में कहें नजर से नजर नहीं मिला पा रहे, ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आपको बता देते हैं नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने ऐसा क्या कहा जो ये बयां करने के लिए काफी है कि कैसे अब तक कांग्रेस में चुनावी हार के जख्म अभी भी ताजा हैं। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, रायपुर में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का दर्द छलका है, रायपुर में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का दर्द छलका, क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको हम बताते हैं। कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों से बोले हैं चरणदास महंत खुलकर सभी के सामने, चुनावी नतीजों के बाद हम एक दूसरे से आंख चुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है चरणदास महंत का। सचिन पायलट के सामने महंत ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द छलका दिया, दर्द सुना दिया, बयां कर दिया सबके सामने। प्रभारी सचिन पायलट भी उसी सभा में, उसी बैठक में मौजूद थे। चरणदास महंत का ये बयान कई
कई सारी बातें कहता है, कई मायने इस बयान के हम निकाल सकते हैं। तो रायपुर में नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। और सचमुच में कहें, आप तो अनोखे आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे, ये सबकी हालत है और हम लोग काफी दुखी हुए हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो। चरणदास महंत के इस बयान पर कांग्रेस क्या कह रही है और किस अंदाज में बीजेपी तंज कस रही है, वो भी सुनिए। किस संदर्भ में कैसे, वो बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। वो नजरें कैसे मिलाएंगे, जनता ने अपनी नजरों से उतार दिया है तो अब नजरें मिलाने लायक नहीं बचे। तो हारे वोटों से गिरे नजरों से, इसी पर चर्चा करने के लिए सत्यप्रकाश जी और उमेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपके पास ही आ रहा हूं सबसे पहले मैं, कि क्या हार की हताशा है ये? एक हार से कांग्रेस नेता इतने हताश हो गए हैं कि एक दूसरे की आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहे, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? सत्यप्रकाश जी, देखिए सुमित जी, आपको भी याद होगा चुनाव से पहले जी, आप कभी मीडिया ने ये परिणाम नहीं सुने। देखिए व्यक्तिगत जिंदगी में अगर बात करूं, आपने बहुत परीक्षा दी, हर कोई परीक्षा से पहले पूरे दिन मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, और जब परिणाम आता है, अगर उसकी विपरीत आता है तो व्यक्ति थोड़ा सा निराश हो जाता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा निराश होता है, हल्का फुल्का उसको थोड़ी डिप्रेशन लगती है। मगर देखिए, जैसे मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, हम वक्त उस हार में समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा की उसको जो नाकामी निकली उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ये होता है, हार हताश नहीं हुए, वो जो कमियां थी उससे हमने सीखा है, उससे आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, और देखिए लोकसभा चुनाव के तहत अगर मैं बात करूं, विपक्ष के नाते उनको भी मालूम है, बीजेपी के और जो केंद्र सत्ता में बैठे हैं उनको भी मालूम है, विपक्ष के नाते बहुत मजबूती साथ खड़े हैं, हमारे साथ जनता खड़ी है, जनता सवाल कर रही है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। तो देखिए इसे मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, परिणाम अगर आपके आपके मुताबिक नहीं आता, मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है, आपको मालूम होगा कि 5 साल हमने दिल से काम किया, हमने मेहनत से काम किया, लोगों की जिंदगी बेहतर हो उसके लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, तो परिणाम नहीं आया तो थोड़ा बहुत निराशा हुई है। मगर देखिए हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, उससे सीख लिए कि हाँ भाई हमको आगे बढ़ना है, लोकसभा चुनाव है, राजनीति है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश है, उसमें हार जीत चलती रहती है, अब लोकसभा चुनाव में हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकामी को दूर कर रहे हैं और समीक्षा करके आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपको दिखे उसका परिणाम, जो हमने नाकामी हमने जो दूर करेंगे उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में दिखेगा, अच्छे परिणाम आपको दिखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ बात कर रहा हूँ तो 1100 सीटों पर आपको परिणाम अच्छे बेहतर दिखेंगे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि हमारे साथ हम तो विपक्ष आते हैं, हमारे साथ हमारी जनता भी खड़ी है, जो महंगाई बेरोजगारी 30 रुपए पेट्रोल 400 रुपए सिलेंडर 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार इसके लिए सवाल कर रही है, हमसे ज्यादा हमारे साथ जनता मजबूती के साथ खड़ी है, परिवर्तन चाह रही है। तो मुख्य बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने जो वादे पूरे नहीं किए उसके लिए जनता खड़ी है, वो अलग बात है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं, हम उससे आगे बढ़ गए, इसके ज्यादा कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है, मगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक योद्धा के तौर पर लड़के आगे बढ़ेंगे। आपको भी 2004 का मामला याद होगा, 2003 में भी यही हालत थी, 2004 में योद्धा के तौर पर लड़े थे और यूपीए 1 और 2 बनी थी, तो इसलिए देखिए हार जीत चलती रहती है, लोकतांत्रिक देश है, मगर उससे आगे बढ़ेंगे, जो नाकाम है उसको सुधार के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लौटूंगा आपके पास। उमेश जी क्या कुछ कहेंगे चरणदास महंत के इस बयान पर? देखिए आदरणीय चरणदास महंत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उनका बहुत लंबा छत्तीसगढ़ को लेकर के एक राजनीतिक अनुभव रहा है, और जिस प्रकार का वक्तव्य उनका भरी सभा में निकल करके आया है कि वो बहुत दुखी हैं और नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, वो जानते हैं कि बीते 5 वर्षों में उनकी कांग्रेस की सरकार ने ऐसे ऐसे अन्याय किए, ऐसे ऐसे अत्याचार किए, ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ की जनता के अहित में कार्य किए कि आज जनता ने उनको अपनी नजरों से उतार दिया, और इसीलिए कांग्रेस के नेता अब नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है, और वो साफ गोई से जिस प्रकार से बात रख रहे हैं वो सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि बीते 5 वर्षों में जो अहित अन्याय किया गया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उसका परिणाम हमको निकल करके मिला है, और जिस प्रकार के हालात बने कांग्रेस के नेताओं के बीच में कि आपस में कौन कौन किसको किसको निपटाने में लगा था, कौन कौन किसको हराने में लगा था, ऐसे भी बयान
पहले कांग्रेस के नेताओं के आपस में निकल करके आए, तो इसीलिए हो सकता है कांग्रेस के नेता आपस में नजर नहीं मिला पा रहे हैं। शायद नजरों में दिख रहा हो कि ये सामने वाला कांग्रेस का नेता मुझको निपटा रहा था, खुद की नजर में दिख रहा हो कि वो दूसरा बाजू बैठा हुआ नेता मुझको निपटा रहा था। कुल मिलाकर के कांग्रेस एक दूसरे को निपटाने में भी लगी थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, हमने चरणदास महंत जी के बयान को तो यहां पर इस न्यूज में हमने सुन लिया, लेकिन इसी के साथ एक और वीडियो जो वायरल हो रहा है सचिन पायलट जी का, वो साफ तौर पर अभी सत्यप्रकाश जी बहुत जोश दिखा रहे थे, शायद उन्होंने सचिन पायलट जी के बयान के एक पार्ट को सुना होगा कि अब हमको आगे जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पीछे अगर हम पलटते हैं तो तरह तरह के विचार आते हैं, तो देश की जनता ये भी समझती कि सचिन पायलट जी के मन में कौन कौन से विचार थे और कौन कौन से विचारों को लेकर के वो वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारी कहानी और विचार है सचिन पायलट के सामने, और लोकसभा को लेकर। ठीक है मैं आ रहा हूँ सर, एक अंतिम पांच सेकंड अंतिम सर, कंप्लीट हो जाएगा मेरा वक्तव्य जी। और जिस प्रकार से हताशा और निराशा चरणदास महंत जी के वक्तव्यों में दिखी, जिस प्रकार से हताश और निराश नेता को प्रभारी के रूप में बुलाया गया है, यह इस बात का प्रमाण है कि 11 की 11 लोकसभा की सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारने की तैयारी कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी आपके ही एक नेता ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिए थे, कुमारी शैलजा जी पर आरोप लगा दिए थे, बोल दिया था कि हारने में जितकी जिम्मेदारी है, मतलब जिनकी वजह से हम हारे हैं उन नेताओं की लिस्ट बनाएंगे, खड़गे जी को सौंपेंगे। और उमेश जी ने अभी एक बात कही है कि एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे कांग्रेसी नेता तो सरकार ही निपट गई। क्या इसी वजह से एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे कांग्रेस नेता? सत्यप्रकाश जी देखिए, सुमित जी हमारे आगे पार्टी लाइन से कोई उतर गया है उसके ऊपर कार्रवाई, निलंबन तक की कार्रवाई है। अरे भाई, इनके तो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए बोले थे कभी शिकायत छोड़ दीजिए तो हमारी सरकार आएगी, क्या कार्रवाई बता दीजिए। तो इनके यहाँ क्या होता है सबके सामने है, मोदी जी और जो अमित शाह जी के सामने तो मुंह नहीं खोल सकता है, हंटर चलता है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी हमारी यहाँ बोल सकता है, यहाँ वो एक इतर बात है कि आपको कहाँ बोलना है, मगर लोकतांत्रिक पार्टी के नाते लोकतांत्रिक पार्टी हम समझते हैं सत्यप्रकाश जी, लेकिन एक भरी सभा में ऐसा निराशाजनक बयान देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी निराश करेगा, डिमोरलाइज करेगा। सत्यप्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका, उमेश जी बहुत धन्यवाद, समय की कमी है मेरे पास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इवनिंग एजेंडा में फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।